हेलो एवरीवन, पिछले सेशंस में हमने मल्टीमीडिया एंड ऑथरिंग टूल जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, इस सब्जेक्ट में हम लोग ग्राफिक डिवाइसेस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर हमने इमेज फॉर्मेट्स, जो हमारे पास अलग अलग इमेज फॉर्मेट्स हैं, जैसे TIFF, BMP, JPG, GIF, जो भी हमारे इमेज फॉर्मेट्स हैं और जो बेसिक कंप्यूटर ग्राफिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक पोर्शन है जिसको बोलते हैं हम ग्राफिक टूल्स। हमारे पास दो तरह के ग्राफिक टूल्स हैं, पहला है हमारे पास फोटोशॉप, दूसरा है हमारे पास कॉरल ड्रो। अब जो कॉरल ड्रो सॉफ्टवेयर है, हमें उसको इनडेप्थ यहाँ पर स्टडी नहीं करना है। हमारे कोर्स में हमें फोटोशॉप कोर्स जो सॉफ्टवेयर है उसको इनडेप्थ में स्टडी करना है। वो एक हमारा इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। हम लोग देखेंगे फोटोशॉप की पावर क्या होती है, उसे हम किस तरह की इमेजेस को एडिट कर सकते हैं, किस तरह के ग्राफिक्स को बना सकते हैं, और हम हर चीज़ को बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे, एक स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट को समझाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग हायर कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं हमारे सिलेबस में दो पोर्शन जो है उस सिलेबस में, इसको रफली डिवाइड करूँगा फोटोशॉप के। पहला है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप, हाउ टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, हाउ टू ओपन एंड सेव फाइल्स, हाउ टू मेन्यू बार, टूल बॉक्स आइटम्स, ऑल दीज थिंग्स। उसके अलावा हम इमेज को कैसे हैंडल करेंगे, यानी कि इमेज में क्रॉप कैसे कर सकते हैं, इमेज को रिसाइज कैसे कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। और फिर हमारे पास लेयर्स के ऊपर कुछ वर्किंग आएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पोर्शन है हमारा, ये बेसिक फोटोशॉप का पोर्शन है। और उसके बाद फिर आता है हमारे पास एडवांस्ड कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम ब्रशेस के बारे में डिस्कस करेंगे, ब्रशेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, चैनल मास्क क्या होता है, ओपेसिटी वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एडवांस्ड कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इस वीडियो के अंदर मुझे सबसे पहले आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देना है कि फोटोशॉप होता क्या है और आप फोटोशॉप से कर क्या सकते हैं। एक बहुत ही पावरफुल टूल है फोटोशॉप, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये जो आपको एक सामने मैंने एक सॉफ्टवेयर खोला है, इसको हम फोटोशॉप बोलते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर, इट्स अ वेरी पावरफुल सॉफ्टवेयर। आप डे टू डे लाइफ में आप बहुत सारे अमेजिंग ग्राफिक्स, बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें आप इस सॉफ्टवेयर की थ्रू कर सकते हैं। अब ये एक सिंपल एग्जांपल्स है ग्राफिक्स के, जो आप फोटोशॉप से हम कर सकते हैं। जैसे कि ये जो ग्राफिक्स है, ये हमने खुद अपने ही ऑफिस में फोटोशॉप में बनाए हैं। जैसे कि हम, ये एक हमारा ग्राफिक्स है UGC NET कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। इस पूरे ग्राफिक्स के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि एक इमेज है, एक इमेज के अलावा फिर आपके पास एक बुक है, बुक के अलावा पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव के अलावा एक CD है, CD के अलावा फिर आपके पास बुक्स, कोर्स एंड मटेरियल्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस ग्राफिक्स के अंदर हमने यूज़ की गई है। अगर मैं हर एक चीज़ को आइसोलेट करने की कोशिश करूँ, जैसे कि लेट अस सपोज कि हमें इस CD ड्राइव को चेक करना, तो कि CD ड्राइव जो है उसको हमने एक अलग लेयर के अंदर ड्रॉ किया था। उसी तरीके से हमारे पास जो बुक है, बुक को हमने एक अलग लेयर के अंदर ड्रॉ किया था। हर चीज़ यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमने अलग अलग लेयर्स के अंदर ड्रॉ किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने अलग अलग तरीके से बनाई गई हैं। जैसे कि इस इमेज के अंदर भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये इमेज है और इस इमेज के पीछे जो शेडो आ रही है, ये शेडो भी हमने फोटोशॉप से ही क्रिएट की है। तो फोटोशॉप इतना पावरफुल टूल है कि जिसकी हेल्प से आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं। आप हर चीज़ को आप यहाँ पर चेक करो, एक एक चीज़ को आप अलग अलग करके देख सकते हैं कि हर चीज़ को हमने फोटोशॉप से किस तरीके से क्रिएट किया है, और हर एक ग्राफिक जो हमारे कस्टम ग्राफिक है, हम हर चीज़ को यहाँ पर फोटोशॉप में क्रिएट कर सकते हैं। हमारे वीडियोज़ के अंदर आपने ग्राफिक यूज़ देखे होंगे, हमारे वीडियो प्रेजेंटेशंस के अंदर कुछ आपने इमेजेस को देखा होगा। हम हर इमेज को अपने ऑफिस में ही क्रिएट करते हैं, एवरीथिंग जो है हम लोग उसको कस्टम इमेज में बनाते हैं। अब जैसे कि इस सिंपल इमेज को आप चेक करो, हमने इस इमेज के अंदर एक बैकग्राउंड हमने लिया, बैकग्राउंड के अलावा फिर हमने उसमें कुछ शेडो ली, शेडो लेने के बाद फिर हमने उसमें कुछ लाइन्स ऐड की हैं, लाइन्स के बाद फिर आपने कुछ और इन लाइंस को ही डुप्लीकेट कॉपी करके हमने यहाँ पर ऐड किया है। उसके अलावा फिर हमने फिर और एक्स्ट्रा ग्राफिक्स को ऐड किया, फिर हमने इसमें और एक्स्ट्रा ग्राफिक्स को ऐड किया, ग्राफिक्स को ऐड करने के बाद कुछ टेक्स्ट हमने इसके अंदर ऐड करने की कोशिश करी, फिर उसके बाद हमने लोगो ऐड किया इस इमेज के अंदर, फिर एक बुक ऐड की, फिर बुक के अलावा हमने एक शेडो ऐड की, शेडो के बाद फिर एक पर्सन है जो शेडो के सामने बैठा हुआ है। तो इस तरीके से अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने इन ग्राफिक्स के अंदर, किस इमेज के अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं या फिर क्रिएट कर सकते हैं। तो जो फोटोशॉप है, इतना पावरफुल टूल है कि ये सभी चीज़ें आप फोटोशॉप के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। एक इमेज जो है, किस तरह से एक इमेज आई, एक अनबिलीवेबल इमेज, एक प्रोफेशनल इमेज है, वो किस तरीके से फोटोशॉप के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। अब जैसे कि दूसरा एग्जांपल है आपका फोटोशॉप का, इस केस में भी आप देख सकते हैं इस पूरे डॉक्यूमेंट, इस पूरी इमेज के अंदर, जब आप इस इमेज को देखते हैं तो आपको एक बहुत ही कलरफुल ग्राफिक आपको नजर आता है। लेकिन जब आप इस ग्राफिक की डिज़ाइनिंग की प्रोसेस में आप जाएंगे, तो आप देखो इस ग्राफिक की डिज़ाइनिंग की प्रोसेस कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। हमने किस किस चीज़ को यहाँ पर ऐड किया है, क्या क्या चीज़ें हमने यहाँ पर प्रेजेंट की है। अगर आप इस पूरे ग्राफिक्स को ही ब्रेक
ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे, तो इस पूरे ग्राफिक्स को ब्रेक डाउन करने में आप चेक कीजिए हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की चीज़ों को यहाँ पर ऐड किया है। ये देखें, यूजीसी नेट एक टेक्स्ट था, फिर उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे अलग तरह के टेक्स्ट है, हर एक टेक्स्ट को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं हमने इस ग्राफिक को कैसे क्रिएट किया है, कोर्सेज को, फिर आपके पास बल्ब है, उसके अलावा शेडोज हैं, तो हर चीज़ को आपने कैसे क्रिएट। तो ये प्लेन आपका एक डॉक्यूमेंट था, तो इस प्लेन डॉक्यूमेंट में हमने सबसे पहले इसमें एक लेयर हमने ऐड किया, कलर ऐड किए, फिर उसके अंदर हमने एक पैटर्न को ऐड किया, पैटर्न के बाद फिर आपने कुछ और टेक्स्ट इमेजेस को ऐड किया, फिर आपने कुछ शेडोज को ऐड किया, फिर आपने लोगोज वगैरह को ऐड किया, इमेज को ऐड किया। तो इस तरीके से हम एक पूरी इमेज को भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि हमने उस ग्राफिक को कैसे क्रिएट किया है, और इस पूरे ग्राफिक की डिज़ाइनिंग की प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड क्रिएटिव टास्क। तो फोटोशॉप जो है एक आज जो एक मॉडर्न डे लाइफ का एक क्रिएटिव टास्क है, क्रिएटिव टूल है, जिसमें एक आर्टिस्ट जो है अपनी प्रेजेंटेशन को, अपनी आर्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हमारे इस पूरे कोर्स के अंदर हमें जो हमारा सिलेबस है उसमें हमें फोटोशॉप का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमें आना चाहिए कि फोटोशॉप होता क्या है, फोटोशॉप से आप क्या क्या कर सकते हैं, फोटोशॉप में क्या क्या टूल्स होते हैं, उसके अलावा आपके पास क्या क्या मेन्यू आइटम्स होते हैं, आप किस तरह से लेयर्स को क्रिएट करेंगे, किस तरीके से आप फोटोशॉप पे काम कर सकते हैं, किस तरह के ग्राफिक्स को आप बना सकते हैं, किस तरह से ब्रशेस को क्रिएट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फोटोशॉप के अंदर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता था कि फोटोशॉप कितना पावरफुल टूल है। अब इस वीडियो के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक वर्किंग ऑफ दिस फोटोशॉप टूल। आप चेक कर सकते हैं कि हम लोग डिस्कस करेंगे फाइल के बारे में और वहाँ से हम अपने कोर्स कंटेंट को आगे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो।